नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, और देखिए देखना भी चाहिए, इसमें आपका ही ज्यादा फायदा है, आपको ही फायदा होगा। जो आप गाना निकालने की कोशिश करते हैं ना, हर लोग, बहुत सारे लोगों का व्हाट्सअप आता है, हमारे नंबर पे कॉल आता है, और सभी लोगों का बस एक ही चीज़ होता है कि गाना निकालना, इसी टॉपिक पे ही बात होती है। इसलिए मैं लगातार इसी टॉपिक पर ही वीडियो डाल रहा हूँ, और अभी डालता रहूँगा जब तक आप लोग गाना आप लोगों को निकालना ना आ जाए, क्योंकि ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और गाना निकालना एक टेक्निक, एक विधि है जो प्रक्रिया पूरी करनी होगी आपको, तो मैं नए नए तरीके से बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, लेकिन आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये लाइन मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तो स्किप किए बिना ही देखिएगा और बातों को सुनिएगा, समझिएगा, और तब उस काम की, उस चीज को प्रैक्टिकल कीजिएगा, तभी प्रैक्टिकल अच्छा हो पाएगा। तो दोस्तों, अभी हमने पिछले वीडियो में एक बताया था गाना निकालने के लिए, तो वो ऊपर से शुरू हो रहा था। अब देखिए, आप जो नॉर्मली सारे गांव पधा निशा बजाते हैं, तो ज़्यादा आप सब लोग कोशिश करते हैं उधर ही से निकालने का, तो इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। आज मैं उसी जगह से बताता हूँ। एक गाना आपने वो गाना सुना होगा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, किशोर कुमार जी का गाना है, तो मैं उसी को आज बताने की कोशिश करता हूँ। गाना है ना, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, आपने सुना होगा ये, तो मैं आज इसी को बताता हूँ। देखिए किस तरह से निकलेगा, जहां से आप सारे गांव पधनी सब प्रैक्टिस करते हैं, बस उसी आधार पर है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कैसे ये निकलेगा। तो दोस्तों देखिए कैसे करना है, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं, और आप लोग हमेशा कोशिश करते हैं इधर ही से गाना निकालने का, यही ढूंढते रहते हैं, तो नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी बताया है कि गाना 98% या 95% आपको यही ढूंढना है, कभी कभी रेयर इधर से या इधर से, और कभी कभी इधर या इधर से। तो अभी देखिए कभी कभी में आ गया ये, कि अभी देखिए अब गाना है तो आपको गुनगुनाना होगा, गुनगुनाना जरूर सीखिए। जो भी गाना निकालना हो, आप जैसे भी गुनगुनाते हो आप गुनगुनाइए। बहुत सारे लोग का है कि सर गुनगुनाने में अच्छा नहीं होता है, हमारा गला अच्छा नहीं, गला सबका गला ठीक होता है, आप गुनगुनाते रहिए, वो धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा। एक बार में कभी किसी का अच्छा ना हुआ है ना होगा, इसलिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए। तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, तो गाना क्या है, ये शाम मस्तानी, तो आप इसको ध्यान दीजिए, ये शाम, ये शाम ऐसा नहीं है जैसे सारे, ऐसा नहीं है, ये शाम थोड़ा जंप किया, एक दो स्वर जंप किया, तो आपको देखना होगा ये नहीं है, यहां तक भी नहीं है, लेकिन कुछ लग रहा है कुछ होने जा रहा है, लेकिन नहीं है, ये क्लियर हो गया, ये शाम यहां तक आ गया ये। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े टुकड़ों को जोड़ना होगा, एक एक शब्द को निकाल निकाल कर आप जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा। देखिए मैं वैसे ही जोड़ रहा हूं, ये शाम हो गया, ये शाम, अब गाना क्या है, ये शाम मस्तानी। अब आपको ये देखना होगा कि ये किधर जा रहा है ये गाना, तो आप गुनगुनाने से आपको ज्यादा जल्दी पता चलेगा कि नीचे की ओर आ रहा है या ऊपर की ओर जा रहा है। तो गाना हमारे हिसाब से, ये शाम मस्तानी, तो क्लियर है कि नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी तक जो स्वर लगा रहे थे उसी को लगाने की कोशिश करेंगे, ये शाम म, तो ऊपर थोड़ा गया, ये आ गया, देखिए ये शाम मा, ये शाम मस्तानी का म तक आ गया, तानी, तो देखना होगा, तो अभी तो लग रहा है कि ऐसे ही, ये शाम,
शाम स म स यही आ गया, नीचे आ रहा था तो डायरेक्ट हम इसको नहीं ढूंढेंगे क्योंकि बगल में पहले सा रे ग म प नॉर्मल स्वर है। म स तानी, तो अब तानी को ढूंढना है। म स गलत है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर गुनगुनाएंगे ये शाम मस ता। ये देखिए मेरे ता, इसलिए कहते गुनगुनाने के लिए तानी। देखिए यहां मिल गया तानी, यही है मस तानी। आ गया ये शाम मस्तानी। इसके बाद गाना क्या है, मदहोश किए जाए। तो देखिए अब यहाँ पे बहुत गौर कर ध्यान देना होगा, वो बहुत क्लियर है कि फर्स्ट लाइन नीचे आ रही थी, सेकेंड में उसके बाद थोड़ा ऊपर बढ़ गया, ये शाम मस्तानी, और उसके बाद मदहोश किए जा। देखिए मिल गया, तो मदहोश किए जा। अब देखिए अब आपको देखना होगा कि अब किधर जा रहा है, मेरी डोर कोई खींचे मेरी डोर, तो किधर जा, ये नीचे है ना, गलत हो गया, ये ऊपर की तरफ जाना है, डोर डोर, ये मिल गया डो तो था ही, यहां हमने खोजा, यहां खोजा, इसके साथ मिलाकर फिर यहां खोजा, मिल गया मेरी डोर कोई खींचे, ये और ऊपर ही चला गया, इतना तो समझ ही रहे हैं आप कि और ऊपर चला गया, तो मेरी डोर कोई, गलत है ये सही है, मेरी डोर कोई खींचे, गलत हो गया। देखिए यहां ये लग गया, ये कोई खींचे, फिर उसके बाद कहां गाना जा रहा है, तेरी ओर, यानी कि यहां से तेरी ओर नीचे आ रहा है, गुनगुनाएंगे तो आपको तब आपको ज्यादा पता चलेगा, ठीक है, तो मेरी डोर कोई खींचे। तो अब देखिए इतना स्वर जो लग गया, तो अब इसके बाद इसी में ढूंढेंगे, वो मिल ही जाएगा, तेरी ओ। देखिए यही क्लियर है, वो उसी में से ढूंढ रहे हैं, लिए जाए ली, तो ये ऊंचा गया, तेरी ओ ली नहीं ली। देखिए आ गया, तेरी ओ ली जा, नीचे आ गया, जा नहीं, ये आ गया। ऐसे ढूंढिएगा, ऐसे खोजिएगा स्वर को, तेरी ओ लिए जा, ये हो गया। तो गाना क्या हो गया, अब सबको जोड़ दीजिए, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, गुनगुनाया कीजिए, करना करने की कोशिश कीजिए, जब निकालना हो तो ऑटोमेटिकली आप जिधर जा रहा है आप उधर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप गुनगुनाइए।
गुनगुनाएंगे तो आपको जल्दी पता चलेगा। और छोटे छोटे वर्ड गाने की छोटी सी लाइन, आधा लाइन, एक शब्द निकाल कर उसको सबको मिलाइए तो गाना इसी तरह से आप इम्प्रूव करते जाएंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। और एक एक गाने पर मेहनत करें, ऐसा नहीं कि दो चार बार ढूंढे और नहीं निकला छोड़ दिए, नहीं ऐसा नहीं होता है, ढूंढना पड़ेगा और गुनगुनाइए जरूर। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको जरूर गुनगुनाइएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक बार नेक्स्ट एपिसोड में, नमस्कार।